हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहाँ पर गेट 2019 का सॉल्यूशन नंबर पार्ट टू लेके आया हूँ। तो ये हमारा आज गेट का सॉल्यूशन नंबर पार्ट टू है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको पार्ट वन दिया था और वहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 1 से लेकर 10 तक। और ये हमारा पार्ट टू है, इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। तो यहाँ पर मैं आपको 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपको मेरा वर्क कैसा लग रहा है। आप यार बहुत कम कमेंट करते हो, बहुत कम लाइक्स करते हो, तो मन नहीं करता है फिर चीज़ को आगे एक्सटेंड करने का। तो आपका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप कृपया करके बताया करें कि आपको मेरा वर्क कैसा लग रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि गेट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके सब हमारे 1 मार्क के होते हैं, मतलब उनका जो मार्किंग होती है 1 मार्क्स की होती है। तो आप अब 11 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ फोनोन्स तो द अप्रोप्रिएट मेथड टू अप्लाई वुड बी, तो ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड, अगर हमको फोनोन्स की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है तो हमको कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना होगा या कौन सा मेथड यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। ऑप्शन ए आइंस्टाइन मॉडल फॉर एकॉस्टिक फोनोन एंड डीवे मॉडल फॉर ऑप्टिकल फोनोन्स। ऑप्शन बी आइंस्टाइन मॉडल फॉर ऑप्टिकल फोनोन्स एंड डीवे मॉडल फॉर एकॉस्टिक फोनोन्स। और ऑप्शन सी आइंस्टाइन मॉडल फॉर बोथ ऑप्टिकल एंड अकोस्टिक। और ऑप्शन डी डीवे मॉडल फॉर बोथ ऑप्टिकल एंड अकोस्टिक फोनोन्स। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पता होगा कि हमारे अकोस्टिकल फोनोन्स क्या होते हैं और हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल फोनोन्स क्या होते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे जो अकोस्टिकल और जो हमारे ऑप्टिकल फोनोन्स को होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, फिर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है। या हमारे पास डाई, सपोज करो हमारे पास डाई एटोमिक लैटिस है, तो उसमें जो हमको यहाँ पे डिस्पर्सन रिलेशन देखने को मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है। ये हमारा फॉरबिडन रीजन होता है, हम इसको फ्रेंड यहाँ पे फॉरबिडन रीजन बोलते हैं। ये हमारा एक डिस्पर्सन रिलेशन है, मैं इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे फॉरबिडन रीजन होता है, आप इसको यहाँ पे फॉरबिडन रीजन कहते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलती है वो कुछ इस टाइप की मिलती है। ये हमारे पास आपको एकॉस्टिकल मोड्स मिलते हैं, ये हमारे एकॉस्टिकल मोड्स होते हैं कुछ इस टाइप के। यहाँ पे आप इसको इस तरीके के बना सकते हैं। और फिर यहाँ से आपको ऑप्टिकल मोड्स मिलते हैं, ये हमारे कुछ यहाँ पे आपको ऑप्टिकल मोड इस तरीके के दिखाई देते हैं। तो ये हमारे पास डिस्पर्सन रिलेशन निकल कर आ चुका है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है और ये आपका कुछ इस तरीके से आपका होता है। तो फ्रेंड, ये तो मेरा वेव नंबर के होता है और ये मेरे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा। और इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो हमारी ऊपर लाइन होती है, ये वाला जो कर्व होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल कर्व। ये हमारे पास ऑप्टिकल फोनोन्स होते हैं। और इसी तरीके से जो ये वाला आपका कर्व होता है, ये हमारा एकॉस्टिकल होता है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अकोस्टिकल फोनोन, ये हमारे पास इस तरीके के होते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू 0 इस तरीके से। तो और ये हमारा बीस का आपका फॉरबिडन रीजन होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपने देखा होगा कि जो आपका यहाँ पे आइंस्टाइंस की थ्योरी होती है वो हमारी लो टेम्परेचर के लिए फेल हो जाती है, आइंस्टाइंस की थ्योरी हमको हाई टेम्परेचर के लिए देती है। तो यहाँ पर जो आपको हाई टेम्परेचर पे जो आपको एनर्जी मिलती है वो ऑप्टिकल फोनोन्स की मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब यहाँ पे जो आपकी आइंस्टाइन थ्योरी होगी, आइंस्टाइन थ्योरी हमारी हाई टेम्परेचर के लिए अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी आइंस्टाइन थ्योरी है, मीन्स आइंस्टाइन थ्योरी हमारी किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आइंस्टाइन थ्योरी हमारी हायर टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हायर टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल होती है। और इससे हमको क्या मिलते हैं, ऑप्टिकल फोनोन्स। तो हमारी ऑप्टिकल फोनोन्स के लिए कौन सी थ्योरी सुटेबल है, आपकी आइंस्टाइन थ्योरी सुटेबल है। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे ऑप्शन बी में, और सॉरी, फिर हमारे पास जो डिवाइस थ्योरी होती है, तो आपको पता है कि जो हमारी डिवाइस थ्योरी होती है, डिवाइस थ्योरी हमारी लो टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपको
लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे डिवाइड थ्योरी से हमारे एग्जैक्ट रिजल्ट आते हैं, मतलब बिल्कुल सटीक रिजल्ट आते हैं। तो डिवाइस थ्योरी फॉर लो टेम्परेचर के लिए, और लो टेम्परेचर पे हमको कौन सा मोड मिलता है, अकोस्टिकल मोड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लो टेम्परेचर के लिए हमको यहाँ पे मिलता है आपको एकोस्टिकल मोड। तो बहुत ही सिंपल है। अब एक नंबर का क्वेश्चन है, तो बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है। तो अगर मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आगे चल के पढ़ाऊंगा कि आपके ऑप्टिकल मोड्स क्या होते हैं, एकॉस्टिकल मोड्स कहते हैं, नंबर ऑफ फोनोन कैसे फाइंड करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। अभी फिलहाल मैं सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर आपको यहाँ पे डाई एटोमिक लैटिस, मोनोटोमिक लैटिस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। क्रोनोपेनी मॉडल हो गया, आपकी बैंड थ्योरी हो गई, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन यार इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी फिलहाल हम गेट के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको बस इतना जानना है कि जो आइंस्टाइन थ्योरी होती है वो हाई टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है, और हाई टेम्परेचर पर आपको ऑप्टिकल फोनोन्स मिलते हैं, और जो आपकी डिवाइस थ्योरी होती है वो लो टेम्परेचर पर आपको अच्छे रिजल्ट देती है, और यहाँ पे हमको लो टेम्परेचर पर एकोस्टिकल मोड्स मिलते हैं। तो बस इतना आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, इससे ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, द फोनोन ऑफ द पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू कॉट जेड एट जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको ये बताना है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू कॉट जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, एसेंशियल सिंगुलरिटीज, ए सिंपल पोल एंड ए सेकेंड ऑर्डर पोल। तो बस आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको फंक्शन में क्या दिया हुआ है एफ जेड। तो एफ जेड हमारे पास है यहाँ पे कॉट जेड, तो ये आपको दिया हुआ है, और हमको इसको चेक करना है एट जेड इज इक्वल टू 0 पे। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर हम दो चीजें चेक करते हैं, एक तो हम यहाँ पे चेक करते हैं जीरोज और एक यहाँ पे चेक करते हैं पोल्स। तो अब आपको ये पता होना चाहिए जीरोज कब चेक करते हैं, पोल्स कब चेक करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमारे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू कॉट जेड, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ कॉस जेड अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा साइन जेड। तो फ्रेंड्स अगर मैं अपने किसी फंक्शन को इस टाइप से लिख सकता हूँ कॉस जेड अपॉन साइन जेड, मतलब अगर मेरे किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर की टर्म आ रही है, मतलब अगर किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर आ रहा है तो उससे हमको पोल मिलते हैं, और अगर किसी फंक्शन में हमको डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो हम वहां से जीरोज निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर है फंक्शन में, तो इससे हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे पोल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पोल्स। तो हम यहाँ पे पोल्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हम जीरोस कब लेते हैं, हम पोल्स कब लेते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको, अगर आप अपने फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास एक डिनोमिनेटर उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके पोल एग्जिट होंगे। और अगर फ्रेंड्स वहां पे हमारा डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब है आपको अपने फंक्शन को जीरोस बनाना होगा। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर जो आपका साइन जेड आ रहा है, साइन जेड हमारा कहाँ पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ पे हमको पोल्स मिलेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन जेड को हम यहाँ पे पुट कर देंगे साइन जेड। अब ये हमारे पास हमको 0 कब देगा, अब यहाँ पे देखिए ये हमको साइन जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलरिटीज आ रही है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन जेड इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे साइन एन पाई। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, और जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा एन पाई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको जेड क्या मिल गया एन पाई। अब यहाँ पे एन जो मेरे पास है वो क्या है फ्रेंड्स, आपके इंटीजर। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू को क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो आपके एन, आपके जो यहाँ पे एन है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एन को ऐसे करके लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे जो मेरा एन है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे जो आपके इंटीजर है वो ±1, ±2, ±3, ±4 आपके इस तरीके के होते हैं। तो आप यहाँ पे अपने इंटीजर को कैसे करके लिख सकते हैं ±1, फिर आपके पास होगा ±2, फिर आपके पास होगा ±3। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, आपके पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको पोल मिल रहा है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ना साइन स्क्वायर जेड है, ना हमारे पास कॉस स्क्वायर जेड है, मतलब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं आ रही है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर होता, क्यूब होता, तो हम उसको लिख देते पोल ऑर्डर 3, पोल ऑर्डर 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही पावर है साइन जेड। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल पोल। तो हम यहाँ पे बस इसको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास सिंगुलरिटीज निकल के आई है वो हमारे पास सिंपल पोल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है फ्रेंड, सी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी। शायद मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइंस्टाइन मॉडल फॉर ऑप्टिकल फोनॉन्स एंड डिवाई मॉडल फॉर एकोस्टिकल फोनॉन्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, बी। सॉरी तो मैं आपको बताना भूल गया था, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी, और इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, सी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, ऑप्शन सी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैसिव पार्टिकल एक्स इन फ्री स्पेस डिके साइमल्टेनियसली इन टू फोटोन्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एक्स इज अ चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन बी स्पिन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स इज अ बोसोन और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स मस्ट बी ए बैरियोन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास पार्टिकल एक्स है जो हमारा यहाँ पे डिके हो रहा है टू फोटोन्स में, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ये मेरे पास एक पार्टिकल एक्स है जो हमारा डिके हो चुका है टू फोटोन में। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चेक करना है, तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बताया कि एक्स इज ए चार्ज, तो हमको ये चेक करना है कि चार्ज पार्टिकल है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चार्ज। तो आप देख सकते हैं यार गामा पे हमारा जो गामा होता है गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो फ्रेंड ये हमारा जीरो है, ये भी हमारा जीरो है, अगर मतलब यहाँ पे जीरो है तो एक्स भी मेरा क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्रेंड इसका मतलब है कि ये मेरा चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा फॉल्स हो गया, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर ए था। फिर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका आपका क्या कह रहा है कि स्पिन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, मतलब कि जो आपके पास ये एक्स पार्टिकल है एक्स पार्टिकल की जो स्पिन है वो हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए टू से या टू के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा गामा फोटोन होता है गामा फोटोन की जो स्पिन होती है वो वन होती है, तो फ्रेंड्स अगर इस वाले गामा फोटोन की स्पिन वन है तो इसकी भी स्पिन कितनी होगी, वन होगी। और फ्रेंड्स अगर इसकी स्पिन हमारे पास वन है मतलब दोनों के दोनों गामा फोटोन की स्पिन हमारे पास कितनी है, वन है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं अगर हमारे पास गामा फोटोन की स्पिन वन है इसकी भी स्पिन हमारे पास कितनी है, वन है, तो वो कह रहा है कि इक्वल टू टू और ग्रेटर देन टू। तो फ्रेंड्स अगर हम ग्रेटर देन टू तो हमारी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्पिन होगी वो इस तरीके का कह रहा है ग्रेटर देन टू। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो आपका एक्स पार्टिकल है यहाँ पे हमको क्या करना होगा, स्पिन को कंजर्व करना होगा। अब यहाँ पे हमारी स्पिन कंजर्व नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जो स्पिन है वो हमारी क्या आ रही है, वन वन होती है गामा फोटोन्स के लिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यार आपको ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में वो क्या कह रहा है कि एक्स इज अ बोसोन, तो हाँ बिल्कुल ट्रू है कि एक्स आपका बोसोन है। देखिए ये हमारा जो फोटोन्स हैं, फोटोन हमारे मासलेस होते हैं और फोटोन आपके यहाँ पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके स्पिन वन है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से पार्टिकल इसमें से एग्जिट हो रहा है उसका जो वो हमारा मासलेस पार्टिकल है, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो इसकी स्पिन है वो भी हमारे पास क्या है, वन है। तो बोसोन्स में आपके पास दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, एक आपके पास होते हैं मासलेस बोसोन्स, एक आपके पास होते हैं बोसोन। तो मासलेस बोसोन में आपके ग्रेविटोन आते हैं और फोटोन्स आते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोटोन्स है ये एक हमारा बोसोन्स पार्टिकल है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा कैसा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक हमारे पास बोसोन्स पार्टिकल है। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि फ्रेंड ऑप्शन डी हमारा बैरियोन है और बैरियोन की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास फोटोन्स हैं इनकी स्पिन कितनी है, प्लस का वन है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे बैरियोन नंबर नहीं है, तो बैरियोन पार्टिकल नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी। तो आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय इज इक्वल टू 3 sin z माइनस का ओमेगा टी एक्स कैप प्लस 4 cos kz माइनस का ओमेगा टी वाई कैप। तो द वेव इज ऑप्शन ए आपका लीनियरली पोलराइज्ड है एट एंगल इज इक्वल टू दिस, आपको यहाँ पे दिया हुआ है लीनियरली पोलराइज्ड एट एंगल दिस, इलेप्टिकल पोलराइज्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इलेप्टिकल पोलराइज्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन ट्रेवलिंग तो आपको टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे
कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है कुछ ई इज इक्वल टू, या आपके पास है 3 साइन, और आप इसको क्या लिख सकते हो 3 साइन, या आपको दिया हुआ है के जेड माइनस का ओमेगा टी, या आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्स कैप प्लस, या आपको दिया हुआ है 4, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कॉस, या आपके पास है यहाँ पे के जेड माइनस का ओमेगा टी वाई कैप। अब फ्रेंड्स हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ई वन इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 3 साइन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे के जेड माइनस का ओमेगा टी, ये हमारे पास हो जाएगा। और फ्रेंड हम मान लेते हैं ई टू, ई टू हमारे पास है यहाँ पे 4, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस जेड माइनस का ओमेगा टी, इस तरीके से। अब फ्रेंड ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, तो इस तरीके से हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, तो पहले तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, तो फ्रेंड्स पहले तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन के जेड माइनस का ओमेगा टी, और इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, और फिर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ई टू डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस, आप इसको लिख सकते हैं के जेड माइनस का ओमेगा टी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 और देन एडिंग, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करके इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फ्रेंड्स ये हमारे पास 3 था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, अब हम इसको क्या लिखेंगे ई टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर के जेड माइनस का ओमेगा टी प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं के जेड माइनस का ओमेगा टी। तो फ्रेंड ये तो 1 हो गया, तो यहां से हमारे पास आ गया दिस, ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास आ गया ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास इलिप्स की एक इक्वेशन निकल के आ चुकी है, तो ये हमारे पास एक इलिप्स है। अब आप कहेंगे कि सर ये हमको कैसे पता लगेगा कि ये हमारा जो इलिप्स है ये आपका क्लॉकवाइज है या आपका यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन में आप जाइए, और ये जो हमारे पास E2 है, E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फ्रेंड इसको मैं E2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 4 साइन, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं के जेड, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई 2। तो फ्रेंड इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने इसको साइन में चेंज कर लिया, तो ई टू इज इक्वल टू 4 साइन के जेड माइनस का ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 2 का रेशो आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे अगर इसको चेंज करते हैं तो हम या आप इसको इसमें भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, इसको आप यहाँ पे रफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बस क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मैं आपको हल्का सा यहाँ पे हिंट देता हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक करेंगे एट टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा हम लिखते हैं कि जेड इज इक्वल टू 0, मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पर आपका जेड इज इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड जो आपके पास ई वन की वैल्यू आ जाएगी ये तो 0 आ जाएगा, और ई टू आपके पास कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास ई टू की वैल्यू कितनी आ गई है 4। और अगर आप इसको यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये हमारा जो ई टू है ये आपका वाई कैप डायरेक्शन में है और ई वन मेरा एक्स कैप डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको अगर ग्राफ बनाते हैं तो फ्रेंड्स ग्राफ आपका कुछ इस बने, ये बनेगा, ये हमारे पास है एक्स कैप, ये हमारे पास है वाई कैप। तो आपने देखा कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो पार्टिकल है वो हमारा यहाँ पर था और फ्रेंड्स वाई हमारा यहाँ पर था, इस तरीके से। अब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा तो फ्रेंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज होगा, तो इस तरीके से ये हमारा आपका डिक्रीज होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरीके से। अब ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा गलत बना दिया है, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा इधर की टाइप को क्या होगा, डिक्रीज होगा इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से चलेगा। आप ग्राफ प्लॉट करके देखना और फ्रेंड्स फिर आपका ये इस तरीके से आएगा और फिर आपका ये इस तरीके चलेगा और फिर हमारा ये इस तरीके से ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस का साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको सर कैसे हुआ ये हमारा, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं
ये अगर मैं यहाँ पे इसको टी लिखता हूं, अब आप देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टी में लिखते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे चेक करते हैं एट, ये हमारे पास है टी इज इक्वल टू टी बाई टू। तो अगर मैं एट टी इज इक्वल टू टी बाई टू पर इसको लिखता हूं तो फ्रेंड्स ये वाली इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई वन इज इक्वल टू थ्री। आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे साइन, ये हो जाएगा आपके पास के जेड माइनस का पाई। तो अब यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये आ जाएगा ई वन इज इक्वल टू माइनस का थ्री साइन, और ये हो जाएगा मेरे पास के जेड। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आ चुका है। और ये जो मेरे पास ई टू होगा तो ई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ई टू की वैल्यू आ जाएगी फोर कॉस के जेड। तो इस तरीके से, तो आपने देखा कि हमारा जो रिलेशन है टी इज इक्वल टू टी पाई बाई टू पर हमारा कितना आ रहा है माइनस का साइन। तो फ्रेंड जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पे जो मेरा ई वन है वो माइनस का एक्स कैप डायरेक्शन में है। तो देखा आपने ये हमारा माइनस का एक्स कैप डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये मेरा इस तरीके से रोटेट करेगा, मतलब पहला आपका फिर माइनस में आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये जो हमारा है ये एंटी क्लॉक वाइज हो गया इस तरीके से। तो आपने देखा ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज है, मतलब काउंटर क्लॉक वाइज है। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यार ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमारे को क्या लिखा हुआ है, इलेप्टिकल पोलराइज इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन व्हेन सीन ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो आपने देखा इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, द न्यूक्लियर स्पिन एंड द पैरिटी ऑफ 40 ये कैल्शियम 20, मतलब 20 आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रोटोन, या यहाँ पे हमारे पास क्या है आपके 40 ये आपके मास नंबर है, तो सी ए इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ऑप्शंस आर ए बी सी डी। अब यार वैसे तो आपको सबको पता होता है कि इसका जो आंसर है वो जीरो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जेड मेरे पास कितना है 20, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है, और यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 20 है। तो फ्रेंड्स आपके इवन इवन है, और इवन इवन के केस में आपको पता है जब आपका इवन इवन होता है तो इवन इवन के केस में जो हमारी यहाँ पे आपके पार्टिकल्स होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं, और पेयर अप होने की वजह से जो हमारी एनर्जी, यहाँ पेयर अप होने की वजह से जो हमारी स्पिन होती है वो जीरो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसको क्या मिलेगा, जीरो प्लस, क्योंकि ये आपका इवन इवन न्यूक्लियाई है, हम इसको बोलेंगे यहाँ पे इवन इवन न्यूक्लियाई। और इवन इवन न्यूक्लियाई के केस में जो हमारे पास डेल्टा आई होता है, डेल्टा आई की वैल्यू जीरो होती है, और जो हमारे पास फ्रेंड्स पैरिटी होती है, पैरिटी आपकी क्या होती है प्लस। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास आ जाएगा डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो, और पैरिटी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, जीरो प्लस। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है फ्रेंड्स ए। तो आपके 15 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन सिलैंड्रिकल सेल हैज इट्स एक्सिस कॉइंसाइड विद द जेड एक्सिस, इट कैरीज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस पाई, वेयर पाई इज द पोलर एंगल एंड सिग्मा नॉट इज अ कॉन्स्टेंट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज ऑप्शन ए बी सी डी। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अभी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फटाफट से, कि ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा काम आ गया था। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास फ्रेंड्स एक सिलेंडर आपको इस तरीके से यहाँ पर गिवन है। तो ये आपके पास एक सिलेंडर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमको कितनी दी हुई है, तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन डैट। तो फ्रेंड जो हमारे पास गिवन डैट है कि आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास है सिग्मा नॉट कॉस पाई, ये आपको दिया हुआ है। तो कॉस पाई है मतलब इसके सिलेंडर की सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से हमारे पास इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये हमारे पास क्या है सिग्मा। अब इसकी जो एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है ये, तो ये हमारी जेड एक्सिस है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस पाई, ये हमारे पास होता है। अब हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स सिग्मा। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो आप देख सकते हैं
अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रेंड्स वो उसके कैसे होगा, लीनियरली होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये हमारे पास सरफेस है, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास सरफेस है, कर्व सरफेस है इस तरीके का। तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर मैं इसका छोटा सा एलिमेंट कट करता हूँ, मीन्स मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसका छोटा सा एलिमेंट कट करता हूँ तो ये मेरे पास एक रिंग निकल के आएगा। अब फ्रेंड्स रिंग के ऊपर, अब इस रिंग के ऊपर अगर मैं रिंग रखता जाऊंगा तो मेरे को सिलेंडर मिलेगा, सही बात है। तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मेरे पास क्या है, एक रिंग है। अब यार इस रिंग पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज होंगे वो क्या होंगे, पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा रिंग बन गया तो रिंग के ऊपर जो चार्ज होगा वो किस तरीके से होगा, आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास होगा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन, और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारे पास ये होगा लैम्डा। तो फ्रेंड हमारे पास लैम्डा होगा, तो अब मैं इस सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, तो इस सिग्मा को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, आपको पता है कि सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी ए। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा को डी क्यू अपॉन डी ए, मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा नॉट कॉस पाई। तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहां पे मेरे पास क्या है, डी ए। अगर फ्रेंड्स मैं इस सिलेंडर को अगर सीधा ओपन कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखिए ये मेरे पास एक कर्व सिलेंडर है, आपने देखा होगा अगर आपके पास घर में एक कार्डबोर्ड का रोल है जैसे, तो अगर आप उस कार्डबोर्ड के रोल को सीधा करेंगे तो फ्रेंड हमारा जो रोल होगा वो इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ। तो फ्रेंड ये इसकी लेंथ है, सपोज करो ये लेंथ मेरे पास क्या है, इसकी एल, या हम इसको लेंथ, हाँ ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी एल, इस तरीके से ये हमारी लेंथ हो जाएगी। अब फ्रेंड नीचे वाला क्या है आपका कर्व सरफेस एरिया, ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया है। तो ये एरिया हमारे पास कितना होगा, आर डी थीटा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास चूंकि सिलेंडर है, सिलेंडर के केस में हम फाई ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर डी फाई। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर आएगा तो इस तरीके से, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास डी क्यू इज इक्वल डी टू डिवाइडेड बाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई अपॉन एल, इस तरीके से इसका एरिया हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस फाई। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं तो डी क्यू अपॉन एल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा नॉट, और आप इसको क्या लिख सकते हैं आर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस फाई, ये हो जाएगा आपके पास डी फाई, इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से लिखा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो लैम्डा होता है, तो लैम्डा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका लैम्डा, और ये हमारा डी क्यू है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डी लैम्डा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस फाई, ये हो जाएगा हमारे पास डी फाई। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको लिख लिया, डी फाई इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास निकल कर आ चुका है, तो हम इसको रफ कर लेते हैं आप थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जगह हो जाएगी। तो अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, तो आपने इसको इस तरीके से लिखा, तो आपके पास डी लैम्डा आ गया है। अब आपके पास डी लैम्डा आ चुका है, तो यार आपको पास एक फॉर्मूला पता होता है कि लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर मेरे पास एक रॉड है, उस रॉड की वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है डी लैम्डा, आप इसको लिखते हो टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप इस तरीके से लिखते हो, अगर आपके पास एक चार्ज रॉड है तो चार्ज रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास होता है डी ई इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर भी आपकी एक रॉड है, तो आप उसको रॉड की तरह एजम्स कर सकते हो और आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे ई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे डी ई, ये हो जाएगा आपका कॉस फाई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रिंग है ये आपका इस तरीके से। अब रिंग पे चार सब तरफ पे आपके क्या है, चार्जेस हैं, यहाँ पे आपका कॉस फाई के हिसाब से चार्जेस चल रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको एंगल में ब्रेक करोगे, तो अगर आपने मेरा रिंग वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग वाला वीडियो बना रखा है, तो आप यहाँ पे जाकर उस वीडियो को देखिए कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का होगा वो हमारे पास किस तरीके से होगा, ई इज इक्वल टू डी ई कॉस वाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये आ जाएगा ई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस फाई है,
तो अब हम इसको यहाँ पे पहले वैल्यू लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, तो डी लैम्डा, तो हम यहाँ पहले डी, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे कॉस फाई, तो ये हो जाएगा आपका ई। अब आप यहाँ पे डी लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, तो डी लैम्डा की वैल्यू क्या है, सिग्मा नॉट, ये आपके पास है आर, ये हो जाएगा आपका कॉस फाई, और ये एक कॉस फाई और आ रहा है, तो ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ये आपके पास डी फाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे, तो फ्रेंड इंटीग्रेट करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में, और फाई की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई, क्योंकि ये सिलेंडर का क्या है बेस, और सिलेंडर का बेस 0 से 2 पाई होगा। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाते हैं, तो आपके पास क्या आ गया ई, ये हो जाएगा आपका 0 से 2 पाई, तो फ्रेंड ये आपके पास था एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा नॉट, ये आपका आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आप आर से आर कैंसिल कर लीजिए, तो यहां से आपके पास कितना आ गया, यह आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर फाई, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा आपके पास डी फाई डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो फ्रेंड्स, सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर पाई और डी फाई। अब फ्रेंड इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है, अगर आपको इंटीग्रल सॉल्व करने आते हैं, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है फाई, तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा नॉट पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्रेंड पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इसका जो ऑप्शन है मैं एक बार चेक करके बताता हूँ क्या इसका राइट ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है बी, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो फ्रेंड ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा आपका रिंग की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेट किया है, तो आप मेरा रिंग वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरी जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, आप उसको ओपन करके वहां पे रिंग वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना था, बस अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपने डी लैम्डा में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद आपके पास सिंगल चार्ज सिंगल रॉड वाला फॉर्मूला होता है, रॉड वाले फॉर्मूले में आपने इसको पुट कर दिया और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस तरीके से अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ एन इनर्ट गैस एटम, द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय इज इक्वल टू दिस, वेयर पी इज इक्वल टू दिस, क्यू इज इक्वल टू दिस, एंड आर इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो द टू कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन एंड आर हैव द डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड लेंथ रिस्पेक्टिवली, तो द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर एटम इन यूनिट्स ऑफ सिग्मा। तो आपको ये बतानी है, मीन्स यहाँ पे आपके पास देखो सिस्टम की टोटल एनर्जी दी हुई है, एक आपके पास थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल है जिसमें आपके पास एन इनर्ट गैस एटम है, और आपके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी आपको दी हुई है यू की फॉर्म में, और पी की वैल्यू आपके पास है, यू की वैल्यू आपके पास है, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे यू लिख लेंगे, तो यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे U लिखिए, तो U आपको क्या दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो फटाफट से हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है U, और U की वैल्यू आपके पास है यू आर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 एन एप्सिलॉन, और फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है P, ये आपके पास है फ्रेंड्स सिग्मा अपॉन आर, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 12 माइनस, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे Q, और फिर आपको दिया हुआ है सिग्मा अपॉन R, और इसकी पावर कितनी है 6। अब फ्रेंड्स आपको क्या बताना है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे, तो आपको पता है एट इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम का मतलब है डी यू अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा डी एन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड, ये हमारे पास हो जाएगा पी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फ्रेंड जब मैं इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये तो हो जाएगा पी, तो यहां से मेरे पास 12 आगे आ जाएगा, तो हम यहां से 12 लिख लेंगे, पहले इसका करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन आर, और इसकी पावर हो जाएगी 11। अब फ्रेंड देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फिर से आर आ रहा है, तो आर का हम फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आर आपका फिर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा।
माइनस, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा सिक्स क्यू, यहां से हमारे पास है सिग्मा अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारे पास फाइव, और यहां से हमारे पास आ रहा है माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर, आर फिर से आ रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास इजिकल टू जीरो। अब ये तो हमारे पास टू एन अपसाइन एन नॉट जीरो से इधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स अब आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे ट्वेल्व पी, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, और आप इसको लिख सकते हो अपॉन आर, ये हमारे पास है इलेवन, और ये हमारे पास है माइनस का दिस, और ये हो जाएगा आपका इजिकल टू सिक्स क्यू, और यहां से आप क्या लिख सकते हो सिग्मा अपॉन आर, ये हमारे पास हो जाएगा फाइव, और माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इस वन अपॉन आर स्क्वायर से माइनस का ये वन अपॉन आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ गया ट्वेल्व पी, ये आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन आर इसकी पावर इलेवन इजिकल टू सिक्स क्यू, ये हमारे पास है सिग्मा अपॉन आर की पावर फाइव। तो फ्रेंड्स ये आपके पास निकल कर आ चुका है, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है ट्वेल्व पी, आप इसको लिखोगे सिग्मा अपॉन आर, ये हमारे पास है पावर 11 इजिकल टू सिक्स क्यू, ये हमारे पास है सिग्मा अपॉन आर इसकी पावर 5। तो यार इस तरीके से ना आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा p, अब यार इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन आर की पावर 6, ये हो जाएगा हमारे पास सिक्स क्यू, ये हमारे पास इस तरीके से बन गया है। अब आप देखिए फ्रेंड इस 6 से आपका ये वाला 12 कैंसिल, ये हमारा 2p हो जाएगा, तो यहां से आपके पास कितना आ गया 2p, ये हो जाएगा मेरे पास सिग्मा अपॉन आर इसकी पावर 6 इजिकल टू क्यू। अब यहां से आपको कैलकुलेट क्या करना है, r कैलकुलेट करना है, तो अब आप देखिए फ्रेंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2p, ये मेरे पास है सिग्मा की पावर 6, ये मेरे पास हो जाएगा q, और इसकी पावर r की पावर 6, यहां से आप लिख सकते हो r की पावर 6 इजिकल टू 2p, ये मेरे पास है सिग्मा की पावर 6, आप यहाँ पे क्या लिखोगे इसको सिग्मा की पावर 6 अपॉन q। तो ये आपके पास क्या निकल के आया, एक रिलेशन निकल के आया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो फ्रेंड जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे r की पावर 6 इजिकल टू 2, यहाँ पे हमारे पास जो p की वैल्यू है, तो फ्रेंड्स p आपको यहाँ पे गिवन है कितना है 12.13, और q कितना है 14.45, तो यहाँ पे p की वैल्यू आप लगा दो, तो p की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 12.13, ये आपको दिया हुआ है सिग्मा की पावर 6 डिवाइडेड बाय, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 14.45 q की वैल्यू। अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो r की पावर 6, ये हमारे पास आएगा 1.6, और ये आ जाएगा हमारे पास 7, और इस तरीके से, और फ्रेंड्स 9, और फिर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है सिग्मा की पावर 6। अब आप इसका 1/√6 ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास r इजिकल टू, ये आ जाएगा 1.09, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा। तो आपने देखा इस तरीके से ये हमारे पास r की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वह आया है 1.09। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कुछ इस तरीके से, द एनर्जी वेव वेक्टर ई के डिस्पर्शन रिलेशन फॉर ए पार्टिकल इन टू डायमेंशन इज ई इजिकल टू सी की पावर और सी के, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट इफ इट्स डेंसिटी ऑफ स्टेट डी ई इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर पी, तो देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तो यार सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको e दिया हुआ है, मतलब आपके पास जो e की है ये हमारे पास क्या है सी के, तो इसका मतलब है जो आपके पास यहाँ पर e के है, e के हमारा इस प्रोपोर्शनल टू है k के, तो ये आपके पास है। तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अब जो अब हमारे पास जो एनर्जी है, अगर फ्रेंड्स e के अगर हमारे पास इस प्रोपोर्शनल होता है s की पावर, ये सपोज करो हमारा प्रोपोर्शनल है e की k की पावर p, आपको यहाँ पे हम k की पावर p नहीं लेते क्योंकि k की पावर p आपको क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है s है ना। तो अगर आपको यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपकी जो एनर्जी है वो k की पावर s के प्रोपोर्शनल है, तो आपकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हमारा हो जाता है इस प्रोपोर्शनल टू, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे e, ये हो जाएगा आपका n अपॉन s माइनस का 1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायमेंशन, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ डायमेंशन, मतलब कितनी डायमेंशन है, वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है e इज प्रोपोर्शनल टू k, तो
इसका मतलब है अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, मींस अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं, तो यहां पे मेरे पास जो एस की वैल्यू है वो कितनी है, वन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं एस मेरे पास वन हो गया। अब यहाँ पे एस मेरे पास वन है। अब आपको यहाँ पे किसमें, आपको यहाँ पे एन कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप एन देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर मैं यहाँ पे एन लिखूं, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन के लिए बात करी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू टू, ये हमारे पास है। अब आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका डी ऑफ ई इज प्रोपोर्शनल टू ई, ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स पूरा, या आप इसको एन की जगह आप टू रखेंगे तो ये हमारा टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये आपका माइनस का वन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ ई इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये हो गया ई की पावर वन। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे पास डी ऑफ ई है ये हमारा प्रोपोर्शनल है ई की पावर वन, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डी ई इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर पी, और आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ पी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, डी ऑफ ई इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर पी, तो यहाँ पे हमारे पास जो पी हो जाएगा वो कितना आ गया, वन। तो यहाँ पर आपके पास पी की वैल्यू कितनी है, वन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो, सॉरी राइट आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया है, वन। तो इसमें हमारा राइट आंसर वन आ जाएगा। अब हम क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका और भी इजी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सर्कुलर लूप मेड ऑफ ए थिन वायर हैज रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड बी नॉट इज इक्वल टू दिस, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो फील्ड स्टार्ट डिकेइंग एस इज इक्वल टू दिस, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, वेयर टी नॉट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो द टोटल चार्ज दैट पासिस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ड्यूरिंग द डिके इज क्यू, तो द वैल्यू ऑफ क्यू इन माइक्रो कूलम राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और उसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है परपेंडिकुलर, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना है, 0.1 टेस्ला। और आपको अब ये बताना है कि उस क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, ई। तो यहाँ पे आप ई निकालेंगे और माइनस का हमारे पास फॉर्मूला होता है डी फाई वी अपॉन डी टी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो आप इसको इस तरीके से ईएमएफ इसको आप बोलते हो। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास डी, और यहाँ पे आप वैल्यू लगाओगे फाई, तो फाई हमारे पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे बी ए डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास हो जाएगा डी टी। अब फ्रेंड्स ए हमारा एरिया है जो कि कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, आप इसको लिख सकते हो डी बी अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पे डी वी की वैल्यू लगा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का ए, और ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी नॉट ई की पावर माइनस का टी अपॉन टी नॉट, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको टी नॉट की वैल्यू दी हुई है, टी नॉट की वैल्यू आपके पास 1 सेकेंड है, तो आप यहाँ पे इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, तो ए ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा आपका बी नॉट ई की पावर माइनस का टी, क्योंकि आपने टी नॉट को 1 सेकेंड पुट कर दिया है। अब ये आपके पास आ चुकी है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ई आ जाएगा आपके पास माइनस का, ये हो जाएगा ए, और आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी नॉट ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस का टी। अब ये हमारे पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ से आएगा, तो आपके पास जो ई आ गया है, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई है, ए, ये हो जाएगा आपका बी नॉट ई की पावर माइनस का टी। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ए एम एफ। और फ्रेंड ये आपके पास क्या होता है, एक वोल्टेज, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या आ गया है, बोल्ट, तो आपने यहाँ पे इसको लिख लिया है बोल्ट, तो ये हमारे पास बोल्ट आ गया है। अब आपको फॉर्मूला पता होता है ओम्स लॉ, तो ये हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E अपॉन आर। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास E अपॉन आर। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ई अपॉन आर, क्योंकि ये आपके पास कैपिटल आर है रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास डी क्यू इज इक्वल टू ई,
अपॉन आर, ये हो जाएगा आपके पास डी टी। अब हम करेंगे इसको यहाँ पे इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा आपका क्यू, ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन आर, और आप यहाँ पे ई की वैल्यू लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ई की वैल्यू कितनी है, ए, ये हमारे पास है वी नॉट, और ई की पावर माइनस टी ये आपके पास है डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू, ये आ जाएगा वन अपॉन आर, माइनस का साइन आएगा इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आएगा ए बी नॉट ई की पावर माइनस का टी, ये हमारे पास है। अब यार आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जीरो से इंफिनिटी, क्योंकि टाइम आपका लगातार डिके हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो से इंफिनिटी, टाइम आपका लगातार डिके हो रहा है इंफिनिटी तक, तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे जीरो से इंफिनिटी। अभी हमारा जीरो से इंफिनिटी लिमिट लगाया है, तो यहां से आपके पास क्यू कितना आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन आर, ये हमारे पास है ए, ये हो जाएगा आपका बी नॉट, यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी और ई की पावर माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा बी नॉट अपॉन आर। तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल चार्ज, लेकिन आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। तो फ्रेंड्स ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए, एरिया सर्कल का एरिया, ये हो जाएगा बी नॉट अपॉन आर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3.14, और फ्रेंड्स ये आपको क्या दिया हुआ है, आर 2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻²⁪ मीटर। ये आपको वी नॉट दिया हुआ है 0.001, तो ये आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको लगाएंगे तो 0.01 ये हमारे पास है, तो आप इसको यहाँ पे लगाएंगे 0.01, ये आपका टेस्ला हो गया डिवाइडेड बाई, और आप इसको क्या लिख सकते हैं R, तो R की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो R की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 ओम, तो आप यहाँ पे इसको लगा देंगे 2 ओम, तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका 2। तो फ्रेंड ये हमारा स्क्वायर है, सॉरी आप यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, तो अब आप यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आप फ्रेंड इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, आप इसको करके देखना, तो आंसर आ जाएगा आपका 6.28, है ना, या आपको इस तरीके से वैल्यूज निकालने को आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया, इसका आंसर कितना आ गया है 6.28। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है इस तरीके से। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय इज इक्वल टू दिस, तो द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द जेड इज इक्वल टू जीरो सरफेस इफ द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द सरफेस इज ऑप्शनल अल्फा ऑप्शनल नॉट इज स्क्वायर, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो फ्रेंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपको ई कितना दिया हुआ है, तो ई आपके पास है यहाँ पे ई नॉट, यह आपको दिया हुआ है कॉस, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3y + 4z माइनस का 1.5 × 10⁻⁹, और यह आपको दिया हुआ है एक्स कैप। तो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ई इज इक्वल टू यह आपके पास है ई नॉट कॉस, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे के डॉट आर माइनस का ओमेगा टी, यह आपके पास है एक्स कैप। तो फ्रेंड्स अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, के डॉट आर इज इक्वल टू यह आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो अगर आप इस आपको कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, के इज इक्वल टू यह आपको दिया हुआ है 3y कैप प्लस का यह आपको दिया हुआ है 4z कैप। तो फ्रेंड इस तरीके से यह आपके पास के की वैल्यू आ गई है, तो आपने यहाँ पे के लिख लिया है, तो k की वैल्यू निकल कर आपके पास ये आ चुकी है इस तरीके से। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ कि k डॉट r का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है आपके पास के वाई वाई कैप, और प्लस इसका मतलब है आपके पास के जेड जेड कैप, तो यही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ चुका है, k इज इक्वल टू 3y प्लस ये हमारे पास है आपके पास 4z कैप। तो ये आपके पास k की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, इस तरीके से आपने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम यहाँ से के वाई को कंपेयर करेंगे, अगर फ्रेंड्स मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस वाली इक्वेशन को इसके साथ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं के वाई मेरे पास 3 है और के जेड मेरे पास यहाँ पे कितना है 4, तो ये हमारे पास हो गया है। अब आप हमारे पास ये आ चुका है। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारी वेव है, हम इसको यहाँ पे किस तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द जेड इज इक्वल टू जीरो सरफेसेस, तो ये हमारे पास है।
अब यहाँ पे हमारे पास तो चीजें हो गई हैं, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे के डॉट जेड कैप, क्योंकि आपकी जेड कैप से वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो के डॉट जेड कैप हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास चीजें इस तरीके से हैं। अब ये हमारे पास है, तो फ्रेंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड के, ये हो जाएगा हमारे पास मॉड जेड कैप, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। यहां से हमारे पास आ जाएगा के जेड कैप इज इक्वल टू, ये हमारे पास है मॉड के, ये हो जाएगा हमारे पास जेड कैप, क्योंकि मॉड जेड कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड यहां से हमारे पास कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास मॉड, ये आपका जेड इज इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा मॉड के। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू मेरे पास 3y कैप प्लस का ये मेरे पास है 4z कैप, और हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डॉट जेड कैप डिवाइडेड बाय, अब आप मॉड के निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 16। तो यहां से आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो ये आपके पास कॉस थीटा आ गया है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये हमारे पास निकल कर आ चुका है, नो डाउट कि इस तरीके से ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब यार हमको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रेशर। तो आपके पास जो प्रेशर होता है, तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 2i/c.cos θ, ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है इस तरीके से। तो आप इसको यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे जो आपके पास आई होता है, आई का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब होता है पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज, और आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास होता है सी, ये आपके पास होता है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारे पास ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी, ये हो जाएगा आपके पास 2/c। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5, ये मेरे पास है आई, आई की वैल्यू कितनी है सी, एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया है 4/5, ये हमारा सी से सी भी कैंसिल हो गया है, तो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास पी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, तो यहां से आपने पी को कैलकुलेट कर लिया है, तो यहां से हमारे पास पी कितना आ चुका है, तो आप देख सकते हैं पी मेरे पास है 4/5, ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट सी और आपका ई नॉट का स्क्वायर। अब फ्रेंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रेशर अल्फा, ये आपके पास है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और ई नॉट का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। तो फ्रेंड इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 4/5, तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.8, तो यह आपके पास आंसर आ गया है, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0.8 आपका क्या है, राइट आंसर है। तो यार इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक फ्रेंड्स आपको सबके सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ऑप्शंस में या क्वेश्चन को समझने में, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो चाहिए, तो उस क्वेश्चन का भी नंबर आप मेरे को बता देना, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसका यहाँ पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हर क्वेश्चन के एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टोटल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के ऊपर। और फ्रेंड्स लास्ट में जाते जाते आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम का अकाउंट है, आप टेलीग्राम पर मेरे को पोटेंशियल जी नाम से सर्च कर सकते हैं, ये पोटेंशियल जी से आप मेरे को सर्च कीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मेरे को अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ललित कुमार नाम से, तो ये मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करने का तरीका है ललित कुमार नाम से। उसके बाद फिर आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फ्रेंड इंस्टा पे फॉलो करने के लिए आपको लिखना होगा पोटेंशियल G9, तो आप मेरे को पोटेंशियल G9 से इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।